हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देख रहे हैं सृष्टि न्यूज़ चैनल और मैं हूँ निस्बत। आज हम आए हैं बातचीत करने के लिए अब्दुल खान सर जी से, अब्दुल कादिर खान सर जी से, जो एक सोशल वर्कर भी रहे हैं और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के एक्स एम्प्लॉय रहे हैं और अब वो एक फिल्म डायरेक्टर है। तो चलिए मिलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप एक सोशल वर्कर भी हैं और आपने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में काम भी किया है, तो उस बारे में आप हमें बताइए। इंडियन ऑयल में मैंने 35 इयर्स काम किया है। एक्चुअली मैं छोटे से जॉब पे था और छोटे से जॉब से बढ़ते बढ़ते उसी में मैंने पढ़ाई वगैरह किया और आगे भी किया, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। और उसके बाद में फिर ऑफिस में लगने के बाद फिर मैंने ऊपर के स्टेप पकड़ते गया एक एक। और जो मेरे से वो आया कि मेरे मन में आया कि चलो कुछ सोशल वर्क भी करेंगे, तो उस वैसा से सोशल वर्क भी करते रहा। आपने सर बहुत से, मतलब आपके इंडियन ऑयल के इसमें हम लोगों ने ये देखे है कि आपने कुछ सोशल वर्क्स भी किए हैं। किस कोई एक हादसा हुआ था इंडियन ऑयल में, तो उस बारे में बताइए कि वो हादसा एग्जैक्टली क्या था। हादसा ये था कि जो हमारे एक एम्प्लॉय थे ऑफिसर और वो क्रिकेटर थे, तो क्रिकेटर खेलने के लिए हजारों दिन की जगह पे जाते थे। तो उनके वहाँ एक सर्वेंट थी लड़की, कोई 10 साल की, और वो ऊपर ऐसा बालकनी में कपड़े सुखाती थी तो गिर गई। गिरने से नीचे एकदम गिरी तो उसको चोट भी आ गई, पैर उसका ये फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद में कुछ वहाँ के झाड़ू वाले लेबर वगैरह सब जमा हुए और उसको पानी भी नहीं पिला रहे थे। दोपहर का टाइम था, 12 बजे का, 12 से 1 के दरमियान का। तो उस दरमियान में मैं बाहर जाके खाना वगैरह खा के वापस आया, और वापस आने के बाद जब देखा कि वो गिरी हुई है तो उसको उठाया और ताबड़तोड़ वॉचमैन लोगों को कहा कि गेट खोलो और रिक्शा लेके आओ। रिक्शा अंदर लाने के बाद उसमें डाल के लेके गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद कुछ लोगों ने पूछा मेरे को, डॉक्टरों ने, पुलिस वालों ने, कि इस पे एक पुलिस केस होगी, तुमने उठाया कैसा। तो मैं उनको यही कहा कि जब उसको उठाया, ठीक है पुलिस केस होगी वो तो बाद में, मगर पहले इसका इलाज करो, इसको दाखिल करो, दाखिला दे दो। तो बाद में उन्होंने बोले कि इसका सीटी स्कैन होगा, उससे पहले तो ये सब करना पड़ेगा आपको। वो पुलिस वालों का प्रोसीजर था। तो फिर वो पुलिस वाले बोलने लगे कि उठाई क्यों तुम वहाँ से, तुम्हारे को जेल हो जाएगी अगर ये मर गई तो। मैं बोला अगर एक बाप को एक बेटी के लिए जेल हो गई तो कोई परवाह नहीं है, यही समझूंगा कि बेटी के लिए मैंने बहुत अच्छा काम किया। क्या बात है सर, आजकल की दुनिया में इतना कोई नहीं करता है जो आपने एक अनजान के लिए किया। सर, आपने ये फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म लाइन में आने का कैसे सोचा? फिल्म लाइन का पहले से मेरे को शौक था कि कुछ ना कुछ मैं करूँ, पर्दे पे आऊँ, जिसकी वजह से मैं दुनिया में मेरा नाम हुए, ऐसा मैं सोचा। और उस हिसाब से फिर जब देखा कि बच्चे ऐसे है तो इनके ऊपर कुछ कहानी बनाना, कुछ और भी ये करना, जैसा कि बच्चे कैसे इम्प्रूव हुए, वो हिसाब से मैंने सोचा। तो वो एक ठान लिया कि बच्चों को कैसा भी इम्प्रूव कराना ही है। अच्छा। ये बचपन से अच्छे थे, बाद में इन लोगों का ऐसा हो गया कि हैंडीकैप एक हो गया, एक का वो होंठ कटा हुआ था तो वो भी ऑपरेशन करवाया, सब कुछ हो गया। उसके बाद ये बच्चों ने चलने की हिम्मत नहीं रही, ना उनको सोचने का दिमाग रहा। तो इस हिसाब से मैं सोचा कि अभी देखो ऊपर वाले ने दिया है, जितना अपने से होती है उतनी कोशिश तो करना है, क्योंकि दुनिया एक समंदर है और इस समंदर में एक किनारे से वो किनारे तैर के जाना यही अपना काम है। लोग अच्छे जो बच्चे रहते हैं उनको डाल देते हैं बोर्डिंग में, वैसे ही ऐसे बच्चों को भी छोड़ देते हैं, लेकिन माँ बाप ऐसे बच्चों को आगे छोड़े तो वो किसके सहारे से जियेंगे। और उसके बाद ऊपर वाला भी, खुदा भगवान जो कुछ भी, तो गॉड वो भी क्या है, यही सोचता है कि जब मैंने इनको ये चीज़ दिया है इनाम में तो इस चीज़ को ये संभाल नहीं सकते, तो उससे बेहतर वो चीज़ अपना ले लो क्या, और इनको ये कर दो। तो जब ये बच्चों को कहीं डाल देते बोर्डिंग में तो वहाँ देख रेख तो होती नहीं, जितना माँ बाप करते उतना तो वो लोग नहीं कर सकते। तो वो चीज़ मैंने एक अपने दिमाग में ले लिया कि ये अपने को संभालना है, और ये एंडिंग तक कि हमारे नसीब में यही लिखा है कि ये बच्चे एक ना एक दिन बड़े होके कुछ ना कुछ करेंगे, या तो भगवान इनको रखना है तो अच्छे से रखे, या तो इनके पहले हम लोग को उठावे नहीं, बस यही हम उनसे ये प्रार्थना करते हैं। सही बात है सर, आपने ये फिल्म लाइन जो अभी आप कर रहे हैं, फिल्म डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन, तो ये कितने सालों से आप कर रहे हैं?
ये फिल्म लाइन के अंदर तो मेरे को अभी 5 साल हो गए, 2008 में मैं ज्वाइन किया। एक्चुअली उससे पहले भी मैं जाता था, लेकिन वो क्या ऐसे रोल वगैरह छोटे मोटे कर देता था, ऐसा छुट्टियाँ ले लेके जाता था, और फिर मेरे को उसका शौक हो गया फिल्म लाइन में जाने का। तो परमानेंट मैंने शौक नहीं पाला, क्योंकि क्या है मेरे को फिल्म लाइन का ऐसा है कि आज मिला काम तो कल नहीं मिलेगा, ये हिसाब था। तो उसके लिए मैंने ये सोचा कि एक रेगुलर सर्विस रहेगी तो कुछ अपने को इनकम मिलेगा, जिससे इनकी मैं परवरिश कर सकूँ, तो वो हिसाब से रहा। और फिर रिटायर होने के पहले ही स्क्रिप्ट राइटर एंड डायरेक्शन यूनिवर्सिटी से किया कालीना से। अच्छा। और वो करने के बाद फिर मैंने इस लाइन में ज्वाइन हुआ, और फिर आज ये समझो ऊपर वाले का देन है कि कुछ ना कुछ मैं करते रहता, कहीं बाहर जाता हूँ आउट ऑफ बॉम्बे, जैसा अभी लास्ट टाइम गैंगटॉक गया हुआ था। गैंगटॉक में जाके यानी दार्जिलिंग से आगे, तो दार्जिलिंग के ही पास में समझो उसी एरिया में पड़ता है, वहाँ से वो गैंगटॉक में मैंने जी टीवी पे कुछ ये दिया था मेरा इंटरव्यू। और उसमें क्या है कि भैया कुछ बूढ़े लोग ऐसे हैंडीकैप बच्चे, इन लोगों के स्कूलों में जाके मैंने इनको बताया कि ये बच्चे जी सकते, अपने पैरों पे खड़े रह सकते, कि उनको एक गाइडेंस मांगता है, अगर वो गाइड करने वाला आदमी है तो जी सकते। अब उसमें आती है फाइनेंस की बात, तो फाइनेंस के लिए क्या करेंगे, तो लोगों से ऐसा मैंने ये किया था अपील कि अगर 6 लाख रुपीस पोस्ट ऑफिस में आप डाल देते तो एक बच्चे को 4,000 रुपीस मिलता है। ऐसा करके 20 से करना, तो 20 बच्चे लेके उनको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे, जो सीख सकते हैं उनकी कैपेसिटी जो दिमाग की है उस हिसाब से वो काम कर सकते हैं, तो ऐसा सिखाने के लिए रखना है। और उनको टीचर रहेंगे दो, उसके बाद में उनको नहलाने धुलाने के लिए आया लोग रहेंगे, वो रहेंगे, उनको कुछ पेमेंट देना जिनके लिए बच्चे लोग संभालते हैं, ऐसे लोगों को लेना है। उसके बाद कुछ बूढ़े रहेंगे जो उससे कपड़े वगैरह सिलाई कर सकते हैं, इनको नहलाना धुलाना सब वो कर सकते हैं, कुछ खाना पकाने वाले रहेंगे, ऐसे दो दो करके लेना है। हफ्ते में 2 बार डॉक्टर को बुलाना है, फिर उनका इलाज करवाना है कि कुछ बीमार है तो उनको दवाइयाँ देना है या कुछ, या तो ज़्यादा बीमार है तो उनके लिए उनके पेरेंट को बोलना है कि आप आओ आपके बच्चे को ले जाओ किस हॉस्पिटल में ये करते, उसके लिए अपनी मदद करना है। तो ये हिसाब से हमने ये सोचे थे कि ऐसा 20 लोगों से 6 लाख रुपीज़ लेके पोस्ट ऑफिस में डाल देंगे, उनके नाम पे रहेगा और अपने संस्था के नाम पे रहेगा। अच्छा। और वो संस्था मैं शुरू करने को देख रहा था। अच्छा। लेकिन मेरा क्या है उतना जमा नहीं अभी इसके लिए, अगर कोई ऐसी मदद करने को तैयार है तो उसकी वजह से हम वो संस्था भी शुरू कर देंगे। क्या जरूर हो जाए। अच्छा, वो संस्था के अंदर ऐसे बच्चों को रख के अगर ये बच्चे सीखते हैं कुछ काम वगैरह, यानी जो जैसा सूखा मेवा बनाना, जैसे बोर होते हैं सूखा के उसका ये करना, अचार होता है पिकल या मसाला होता है, ऐसी चीज़ें इन सब चीज़ों की प्रोडक्ट उस चीज़ों को ले जाके बाहर बेचना, और बेचने के लिए हम जैसे कुछ मार्केटिंग के लोग रखेंगे वो लोग ले जाके बेचेंगे, ऐसा सब ये था। कुछ मशीनी काम सिखाना इनको, इनको पिकनिक ले जाना, ये सब। और मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल में क्या है हफ्ते में 2 बार या 1 बार डॉक्टर को बुला के इनका चेकअप कराना, हाँ, तो उनकी हेल्थ सही रहेगी। ये सब सोच के मैंने यही किया कि बोला चलो ये संस्था चलाएंगे आइए। तो ये संस्था में हमको कुछ टेलीफोन वाले मिले MTNL के मैनेजर, उन लोग ने भी ये कहा कि जो लोग जिनको बच्चे संभाल नहीं सकते, माँ बाप उनके है उनको बच्चे नहीं संभाल सकते, तो वो चीज़ हम ऐसा करेंगे कि ये बच्चे जो माँ बाप नहीं संभाल सकते ना माँ बाप को बच्चे, तो वो माँ बाप अपने यहाँ काम करेंगे, उनको कुछ काम देंगे और उनको पेमेंट कम एकदम देना है, ये बच्चों का ये करना है, खाली उनको खाना पीना सब देंगे, उस तरीके से रखना है। क्या तो उसमें संस्था की भी इनकम है और उनकी भी, और बच्चे एक बार सीख गए कुछ काम, जैसा कुछ भी समझो उनके हिसाब से जो कुछ भी कंप्यूटर का इसका उसका जो भी वो सीखे, क्योंकि इनको दिमाग होता है लेकिन वो दिमाग का यूज़ करने कराने वाला कोई नहीं होता है, उसके लिए वो पीछे रहते, ऐसे बच्चे बहुत कुछ कर सकते क्योंकि इनका माइंड ही ना दबा हुआ रहता है, और उसको ओपन कराने के लिए अपने जैसे लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ के, और वो भी हमारे जैसे होना चाहिए कि ये काम के अंदर जैसा अपना मन से काम करना चाहिए, तो वो लोग आगे बढ़ा सकते हैं वो, तो ये सब होने से ये बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा जब सीख लिए कुछ
तो इनके माँ बाप ले जाना चाहते हैं तो वो पैसा संस्था को छोड़ देने का, उससे हम दूसरे बच्चे लेंगे और वो बच्चों को कम फी में लेंगे। ऐसा करते करते हमारा जो इंस्टीट्यूट होगा वो आगे बढ़ेगा। अभी हम लोग मिल रहे हैं अब्दुल सर की मिसेस से, जो उनकी हमसफ़र हैं और उन्होंने इतने साल उनको सपोर्ट किया है। तो सलाम अलैकुम मैडम। सलाम मैडम, आपका नाम? मेरा नाम हमीदा अब्दुल कादर खान। अच्छा मैडम, आपने सर के साथ एक सपोर्टिव रोल, जो बोलते हैं कि इतने साल जिंदगी का सफ़र आपने सर के साथ निकाला है, तो आप अपनी लाइफ स्ट्रगल के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं पहले से, तो जब मेरा पहला एक लड़का गुजर गया, पहला वाला, उसके बाद दूसरा बच्चा जो है वो हैंडीकैप है और तीसरा बच्चा है वो मेंटली हैंडीकैप है। अच्छा। तो पहले से तो हमको पता नहीं चला, 14 साल तक तो ये बच्चा अच्छा था, उसके बाद ये बच्चा न बुखार आई न कुछ, अपने आप ही ऐसा हो गया। तो डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके मसल्स वीक है। अच्छा। उसके बाद हमें तो समझ गई कि इनको संभालना ही है, किसी भी हालत में इनको संभालना ही है, कुछ बोल के कुछ करके कुछ चलने वाला नहीं, संभालना ही। उसके बाद हमने इनका बहुत कुछ इलाज किया तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ इनसे। और मेरे साथ इन्होंने भी, मेरे शौहर ने भी मेरा साथ दिए। हाँ। और बच्चों को पढ़ाने की भी बहुत कोशिश की हमने, फिर भी अगर बच्चे नहीं पढ़ते, फिर स्कूल में डाला उनको, स्पेशल स्कूल में। हाँ। 10 साल तक दोनों बच्चों को स्पेशल स्कूल में रखा मैंने। हाँ। वहाँ से भी इनको ज़्यादातर कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। हाँ। उसके बाद बस घर में ही संभाल रही हूँ मैं, जैसी मेरी उम्र बढ़ती है ऐसे बच्चे बड़े होते हैं, मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ। तो जैसे मतलब सर, आपने एक सोशल वर्कर भी हो आप, आपने आपकी पूरी ज़िंदगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी को दी और उसके साथ साथ आप रिटायरमेंट के बाद आपने फिल्म लाइन ज्वाइन की और फिल्म इंडस्ट्री को दी, तो शायद, और आपके दो बच्चे हैं जो एक फिजिकली हैंडीकैप भी है और एक मेंटली हैंडीकैप्ड है, उनको लेकर चल रहे हो आप आज तक ज़िंदगी में, और मैडम ने भी आपका उतना ही साथ दिया है, तो जायज़ बात है अल्लाह ताला ने शायद आपको एक फरिश्ते की तरह हर एक इंसान को मदद करने के लिए ही बुलाया है, ऐसा ही रहता है। सर ऐसा है, मतलब हमको पता चला कि आपको नेशनल अवार्ड भी मिला है एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर से, तो वो किस सिलसिले में मिला है आपको? जब मैं गैंगटॉक गया था, गैंगटॉक के बाद में मेरे को एक ऑफर आया इसका जी टीवी का, तो वहाँ पे मैंने कुछ लेक्चर दिया जो लोगों को अच्छा लगा, वो अच्छा लगने से, यही फिल्म के काम से ही गया था, तो अच्छा लगने से उन लोगों ने स्कूल में ऑफर किया, तो बच्चों के स्कूल में गया, तो वहाँ पे मैंने बच्चों के लिए कुछ ऐसे हैंडीकैप बच्चों के लिए मैंने बताया कि ऐसे ऐसे कुछ ये है जिससे बच्चे सुधर सकते हैं, इनको इतना है कि कुछ गाइडेंस करने के लिए कोई ज़रूरी है, गाइड की ज़रूरी है, अगर तुम इनको अच्छे से ये करते हैं, कुछ काम सीखना चाहते हैं तो सिखाओ उनको, जैसे इसका खादी का कपड़े का बुनने का है, या तो और कुछ भी समझो जो भी चीज़ सीख सकते हैं, कंप्यूटर का बोलो, स्क्रीन प्रिंटिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बताया मैं, तो बोला अगर अपने इससे सीखते हैं शौक से तो वो चीज़ें इनको सिखाओ। अच्छा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं बारीक बारीक, वो भी ये बच्चे कर सकते हैं, तो खाली इनके दिमाग में बैठना चाहिए कि हमें ये करना है, तो वो चीज़ उनको अच्छी लगी, और फिर बड़े लोग जो थे उम्र के, तो वो भी लोग वहाँ जमा हुए थे, तो उनके यहाँ भी गया मैं संस्था में और उनके संस्था से भी बात किया, तो उन्होंने उनको मैं बताया कि बड़े लोग ये समझते हैं कि हम इतने उम्र के हो गए, हम ढल गए, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कोशिश करेंगे तो वो सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने उनके पास सब चीज़ें दिया है। तो उनको एक स्टोरी मैंने बताया, वो स्टोरी ऐसी थी कि एक गाँव में पूर आता है, बाढ़ आती है तो सब लोग वहाँ से भागते हैं, वो लोगों ने क्या है कि उसको बोलते हैं, एक मंदिर रहता, मंदिर के अंदर पुजारी रहता, उसको ये बोलते हैं कि अरे तुम भी चलो हमारे साथ, तो वो मंदिर वाला ये बोलता है कि भगवान बचाएगा, हम नहीं आएंगे, क्या भगवान बचाएगा वो बोलते रहता, तो ये सब लोग निकल जाते वहाँ से, वो बाढ़ में से निकल के, और बाद में वो क्या है, मंदिर में वो पानी जैसा जैसे चढ़ते जाता है, ये आदमी ऊपर चढ़ते जाता है, ऊपर जाता है टॉप पे चला जाता है, और टॉप पे जाके वो मीनार को पकड़ लेता है मंदिर के डोम के ऊपर, और जब तक पानी वहाँ तक आ जाता, तो ऊपर वाले की ऐसी कृपा होती है कि वो एक नाव भेजता है उनको बचाने के लिए, तो नाव के लिए इशारा नहीं करते, हालांकि हाथ पैर सब कुछ उसके सही है,
वो इशारा नहीं करते ना ये करते आवाज देते या कुछ, तो उसकी वजह से वो नाव चले जाती जो स्टीमर होती हो। फिर ऊपर से हेलीकॉप्टर आता बचाव का रात के लिए, तो उसको भी ये लोग इशारा नहीं करते, ये आदमी इशारा नहीं करता, ये पुजारी, तो वो अपना निकल जाता। ऐसा करके वो पानी इतना बढ़ जाता है कि उसके गर्दन तक आ जाता है। गर्दन तक आने के बाद वो पानी बहा के उसको ले जाता है किनारे पे पटक देता। पटकने के बाद वो बेहोश होता है। बेहोश होने के बाद वो जब होश में आता है तब वो ऊपर वाले भगवान से बोलता है कि हे भगवान, मैं तेरी इतनी पूजा करता था तो तूने मुझे बचाया क्यों नहीं? तो भगवान क्या बोलता है कि सबको मैंने बचाया, तू अकेला नहीं है, मुझे सब पूरी दुनिया देखना है, क्या तू अकेला नहीं है? तो इतने लोगों को मैं बचाया, तेरे को अकेले को मैं बचा सकता था, तेरे लिए मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, तेरे लिए मैंने स्टीमर भेजा, तो तू उसको इशारा क्यों नहीं किया? तेरे को दिमाग दिया था, हाथ पैर थे, तो क्यों नहीं इशारा किया? तो उसकी वजह से वो आदमी क्या बोलता, यार भेजा तो थे, सब कुछ था, मानता हूँ मैं, लेकिन ये चीज़ें आने के बाद मैंने इसलिए ये किया नहीं कि मैं अब बचाओगे, मैं इतनी पूजा करता हूँ। तो भगवान बोला ऐसा नहीं है, तेरे को हाथ पैर दिया तो तू अपने दिमाग से सोचना चाहिए था और उस हिसाब से तू भी उन लोगों के साथ में साथ देना चाहिए था, तू साथ नहीं दिया। तो वहाँ पे जो था ना मंदिर में, वो इसलिए था कि वहाँ जो दान पेटी थी वो संभाल रहा था भगवान बोलते। तो ये बोलता मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या रहने को घर भी नहीं है। तो भगवान बोलता है तेरे पास घर नहीं है ना, तो आ जा मेरे पास, तेरे को क्या चाहिए, कितना करोड़ रुपया चाहिए, आ जा। तो बोलता ठीक है, भगवान के पास जाता एकदम सामने। तो भगवान उसको क्या बोलता है, चल तू ऐसा कर, तेको कितना मांगता है? बोला 1 करोड़ बस होगा। तो बोले मेरा घर नहीं है, मेरे पास टीवी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सब बता दो। तो बोले ठीक है, कितना 1 करोड़ मांगता ना, 1 करोड़ दे दिया मैं। तो उसके बाद में क्या करता हूँ कि बोलता ठीक है, ये हाथ है ना दोनों, मेरे को दे दे। तो बोलता ये हाथ कैसा दूंगा मैं, हाथ दूंगा तो मैं खाऊंगा कैसा? तो बोलता पैर दे दे तो मैं चलूंगा कैसा? तो बोलता फिर ऐसा कर आँख दे दे तो देखूंगा कैसा? तो बोलता ये मनुष्य तू जा, और तेरे पास इतनी दौलत दिया है मैंने करोड़ों की, वो पहले ये कर, तू जा दुनिया में पेट भर के आ, उसको बोलता है। या इतनी दौलत दिया है करोड़ों की तो तू संभाल नहीं सकता, तू एक चीज मेरे को नहीं दे सकता है और तेरे को दौलत मांगता है? उन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाया है, क्या ऐसा तू भी कमा और पेट भर के आ? तो ये बोलता इतना सा पेट है, ये जल्दी भर जाएगा। बोलता तू जा दुनिया में और पेट भर के आ, आज तक पेट किसी का भरा नहीं। सही बात। अब्दुल सर, आपको ये जो नेशनल अवार्ड मिला तो ये लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ा था? ये नेशनल अवार्ड का एक्चुअली मेरे को दिल्ली से ऑफर किया, तो दिल्ली से ऑफर करने के बाद मैं यहाँ बॉम्बे में जाके दादर में अटेंड किया। और वहाँ पे अटेंड करने के बाद में उन लोगों ने रविन्द्रनाथ नाट्य मंदिर जो अपना होरली पे है पर्वादेवी पे, तो वहाँ बुलाए उस विलासराव देशमुख जो अभी दुनिया में रहे नहीं, ये गोपीनाथ मुंडे और बहुत सारे बड़े बड़े और बाहर के भी बहुत सारे लोग आए हुए थे, और कुछ फिल्म के फिल्म एक्टर डायरेक्टर ऐसे भी लोग थे उसमें। ऐसे लोगों के से मेरा सम्मान किया गया और मुझे अवार्ड दिया गया, राष्ट्रीय सम्मान अवार्ड। अच्छा सर, आपने कौन सी फिल्में मतलब बनाई है, अपने दर्शकों को बताइए। अंदर तो मैं ज़्यादा तो नहीं, यही समझो किस किस से प्यार करो, वो एक फिल्म हो गई, उसके बाद बाजार बस्ती और फिर जुल्फ के साए साए, और उसके बाद में अभी इसमें स्टाइल में भी काम किया थोड़ा, और हम दो हमारे दो में। अच्छा, जैसे कि मतलब हम दो हमारे दो में आपने जो मैसेज दिया है कि आज के दुनिया में लोग बच्चों को एक अच्छे बच्चों को भी बोर्डिंग में डाल देते हैं, और फिजिकल हैंडीकैप और मेंटल हैंडीकैप मतलब उनके लिए तो छोड़ ही देते, फिर भी आपने और मैडम ने एक साथ मिलकर इतने साल गुजारे और अपने खुद बच्चों को एक्सेप्ट किया, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो उस बारे में मतलब उससे जो आपको प्रेरणा मिली है, वो प्रेरणा कैसे मिली आपको? उससे हमको एक ऐसा सबक सीखने मिला कि ये बच्चे हम जब संभाल रहे, ये बच्चे संभालते हम लोग को ऐसा लगा कि ये बच्चों को संभालना यानी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भगवान से अगर हम मांगते भी है तो अच्छे बच्चे अगर देते तो वो अच्छे बच्चे आज के ज़माने में एक बाप माँ को नहीं संभाल सकते, क्योंकि एक ज़माना ऐसा था कि एक बाप 10 बच्चों को संभाल सकता था, और आज 10 बच्चे एक बाप को नहीं संभाल सकते। तो इसी तरह से वो अच्छे बच्चे हो के किस काम के, बच्चा जब छोटा रहता है तब उसको माँ बाप उठा के ले जाते, जरा तबीयत खराब होती है, बुखार आती, कुछ जाती तो उसको ले जाते डॉक्टर के पास, इधर उधर, वो सब चीज़ें भूल जाते। क्यों? कि वो सोचते हैं कि
माँ बाप ये सोचते हैं कि ये हमको बुढ़ापे में सहारा होगा, लेकिन वो सहारा नहीं देते उनको। जैसे समझो पढ़ाई होती है, नौकरी होती है, फिर उसके बाद शादी होती है, तो वो सीधा अपने माँ बाप को बाहर निकाल देते। और उसके बाद में ये करते हैं कि आपने हमारे लिए क्या रखा, माँ बाप से लड़ते या? और बोलते कि तुमने हमारे लिए कुछ रखा तो नहीं, लेकिन हमारी खाली आपके शौक के लिए आपने हमको पैदा किया, ये बोलते। उसके बाद में ये ऐसे बच्चे लोग होना और ना होना के बराबर है। अगर नहीं रहते तो माँ बाप उस वक्त जब बूढ़े होते तो कुछ आसरा नहीं रहता, तो वो यही सोचते कि अरे ऐसे नहीं देता भगवान तो अच्छा था। सही बात है। लेकिन हम ये सोचते कि ये बच्चे मान के भी नहीं मिलेंगे। उसकी वजह ये रहती है कि ये बच्चों में इतना ये टैलेंट होता है कि मोहब्बत इतनी होती है कि माँ बाप को ये सोचते है कि माँ बाप हमको संभालते तो हम कुछ ना कुछ करेंगे, करने के लिए सोचते, लेकिन उनको करने को मिलता नहीं है, क्योंकि उनके हाथ पैर नहीं चलते, माजूर है, जिसकी वजह से वो चीज़ नहीं कर सकते। तो वो भगवान उनके हिसाब से उनके नसीब का हमको दे भी देता है। सही बात है। ये सोचना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जब ये बच्चे अच्छे बच्चे माँ बाप का कोई सोचते नहीं, लेकिन माँ बाप को अकल भी देते घर से, और उसके बाद में वो ऐसा करते है कि बोलते हम हमारी पढ़ाई किए, इतना हमने पढ़े तो हमको नौकरी अच्छी मिलेगी, लेकिन भगवान ने जब देखा कि ये बच्चे पढ़ लिख के भी जब बूढ़े आदमी को नहीं संभालते जिन्होंने उनकी सेवा किया जिंदगी भर तक, तो भगवान ने उनको एक मार दिया है कि तुम कितना भी पढ़ाई करो, को अच्छे से अच्छी नौकरी भी अगर लगेगी तुम पूरा नहीं करोगे, और पढ़ाई करने के बाद भी नौकरी आपको नहीं मिलेगी, ये भगवान ने उनसे कहा है। अच्छा। और वो आज का कलयुग चल रहा है कि वो बच्चों को देखो पढ़े लिखे ग्रेजुएट से डबल ग्रेजुएट है, सब कुछ है, लेकिन उनको नौकरियां नहीं है। अच्छा नौकरियां है तो भी वो खुश नहीं है। सही बात है। लेकिन हम तो ये समझते कि हमारे नसीब में ऐसे बच्चे हैं तो हम खुश है। हाँ, जो कुछ भी है सुकून के साथ में हम रहते हैं तो हम दो है और हमारे दो है। क्या बात है। ये उसकी। अच्छा सर आपका भी मतलब जैसे आपने इतनी हमीदा मैडम के साथ जिंदगी का सफर इतना काटा है, तो आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या, आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है? फ्यूचर प्लान वही मैं बता दिया कि मैं कोई इंस्टीट्यूट खोलना चाहता हूँ। हाँ। और ये मैं देखता हूँ कि कोई मेरे को अगर समझो डोनेट करे कुछ। हाँ। जगह तो जगह के अंदर कुछ बना के स्कूल की या तो स्कूल बना हुआ ऐसा अगर अपने को डोनेट कोई करता है। हाँ। तो उसमें जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जो कुछ करना है वो हम मैनेज कर सकते हैं। अच्छा सर अब्दुल कादिर हुसैन खान एक पर्सनालिटी है जो एक सोशल सर्विस पर्सन भी रहे हैं, एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को अपने आपकी ज़िंदगी दी है और फिल्म इंडस्ट्री को ही आप फिल्म इंडस्ट्री में भी रहे हैं, तो आप अपने आप को अपने दर्शकों को बताइए कि आप क्या हैं। हम तो एक मामूली इंसान है, कुछ ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़े है या कुछ, फिर भी हम जितना मन बड़ा रखते हैं वाइड जैसा समंदर की तरह, तो इसमें हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोग जो माजूर है कुछ है तो ऐसे लोग अपने बच्चों को कहीं बाहर नहीं इसमें डाल दे जैसा कोई बोर्डिंग में या कुछ, अपने साथ रखे और साथ में रख के उनको जो मेहनत करेंगे उनकी जो सेवा करेंगे उसमें उनको जो आनंद मिलेगा वो और किसी चीज़ में नहीं मिलेगा। सर अपने दर्शकों के लिए आप और हमीदा मैडम एक मैसेज दीजिए। हमारा यही मैसेज रहेगा कि जितना भी होता है गरीब से गरीब भी होए और अगर बच्चे अमीर से अमीर है तो अमीर है तो ये नहीं समझे कि हमने ये बच्चों को छोड़ दिया बोर्डिंग में डाल दिया खत्म, हम शौक से रहेंगे मजा करेंगे लेकिन वो कभी सुखी नहीं रहेंगे। तो इसके लिए उन लोगों ने ये कभी घमंड नहीं करना, घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को प्यार दो, उनको नौकरानी के हवाले छोड़ के कहीं कहीं चले जाते हैं लोग, उसमें माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है उनको। और ये प्यार के भूखे रहते हैं, ये प्यार के भूखे हैं, इनको दूसरों के हवाले नहीं करने का। बच्चे खुश रहेंगे, खुशी दो उनको और इनकी खुशी से हमारी खुशी होती है। सही बात है। क्या है दुनिया में क्या ले जाना है, आया था क्या सिकंदर दुनिया से ले चला क्या, थे दोनों हाथ खाली इतना था कफन को कपड़ा। क्या बात है, क्या बात है। आज हम लोग मिले खान अब्दुल कादिर हुसैन खान से,
जो एक फिल्म डायरेक्टर है और एक्स एम्प्लॉय रह चुके हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कंपनी के। उसी के साथ साथ वो एक अच्छे सोशल वर्कर भी है। और हम उनके हमसफर जी से भी मिले, जो है मिसेस हमीदा मैडम। उन्होंने भी उनका ज़िंदगी भर एक अच्छी वाइफ की तरह साथ दिया है। तो हम मैं निस्बत सृष्टि न्यूज़ चैनल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। चलिए सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैडम। हम दो हमारे दो, ये जो फिल्म सर ने बनाई है उसके प्रेरणा उनके खुद के बच्चे हैं। एक है मोइनुद्दीन कादर खान और दूसरा है मुबीन कादर खान, जो कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, सर की आंखों के तारे हैं, सर की दो आंखें हैं, जिनकी प्रेरणा के वजह से सर जो कि 60 बरस की उम्र में भी सर अपनी ज़िंदगी की नई, अभी तो 64 के हैं सर, बट 60 बरस की उम्र से सर ने अपनी फिल्म लाइन की करियर शुरू की। तो सर ये आपके बच्चे हैं दोनों। मोइनुद्दीन कादर खान और मुबीन कादर खान, दो बच्चे जो आपके दिल के एकदम अजीज हैं। दोनों दिल के तारे हैं, यानी दिल से ज्यादा अजीज रखता हूँ, क्योंकि वो कहना है ना कि जब काटा मच्छर ने तो सर पे जुनून था, सोचा पकड़ के मार दूं उसे, लेकिन ख्याल आया रगों में खून मेरा ही था। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह।